कहाँ गई वो कुडार की बैठकें, कहाँ गए वो डंगाई के राज, कहाँ गए राजा निरपत सिंह जिन राखी टहरोली लाज। झांसी के टहरोली तहसील में आज भी स्थानीय लोग इन पंक्तियों के जरिए टहरोली के गौरवशाली अतीत को याद करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र अपने प्राचीन मंदिरों, भव्य महलों और इतिहास के वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ और कई ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं जो समय के साथ खो से गए हैं। उनमें से एक है झांसी के पास स्थित टहरोली किला। 17वीं शताब्दी में निर्मित ये अद्भुत किला बुंदेला प्रमुख वीर सिंह जुदेव के समय का माना जाता है। टहरोली का किला उत्तर मध्यकालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है और इसका एक दिलचस्प इतिहास है। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है टहरोली तहसील। टहरोली किला टहरोली के बदलते इतिहास का गवाह रहा है। ओरछा के महाराजा वीर सिंह जुदेव के शासनकाल को बुंदेलखंड में वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। 1607 और 1627 ईस्वी के बीच वीर सिंह जुदेव के शासनकाल के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में करीब 51 भव्य किलों का निर्माण हुआ था। इन्हीं में से एक है टहरोली का किला। इस किले का प्रशासन वीर सिंह ने अपनी तीसरी रानी पंचम कुंवर के पुत्र बाग राय को दे दिया था। उन दिनों टहरोली में खुशहाली अपने चरम पर थी। फिर टहरोली की कमान वीर सिंह के ही पुत्र प्रसिद्ध राजा हरदोल के हाथ में आ गई, जो बड़ा गांव के जागीरदार थे। ये किला राजा हरदोल के वंशजों के हस्त भैया या अष्टगढ़ी या 8 उपराज्यों के अंतर्गत आता है। किला 18वीं शताब्दी के मध्य तक बागराय के वंशजों का केंद्र बना रहा। इस समय बागराय के वंशज लक्ष्मण सिंह टहरोली के शासक बने। 5 एकड़ में फैले किले के अंदर आपको 5 विशाल कुएं, बावड़ी, भव्य 5 मंजिला शाही महल, अनेक रिहायशी कक्ष, राजराजेश्वरी देवी पीठ और अन्य इमारतें मिलेंगी। किले के दोनों ओर 2 बड़े तालाब भी हैं। ये किला बुंदेलखंड की स्थानीय सुंदर वास्तुकला को दर्शाता है। 17वीं शताब्दी में किले के बाद 18वीं शताब्दी में खासकर लक्ष्मण सिंह के शासन में भी किले में कुछ बदलाव किए गए, जैसे यहाँ बाद में अधिक सैनिकों को शामिल किया गया और यहाँ विशाल तोपें भी रखी गई, जिन्हें अभी भी किले के अंदर देखा जा सकता है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा बुंदेलखंड में परेशानी पैदा कर रहे थे। उन्होंने टहरोली के आसपास के इलाकों को लूटा, जिसमें बमानुआ गांव में खूबसूरत गढ़ी भी शामिल थी। इसके विशाल द्वार टहरोली किले में लाए गए, जिन्हें अब बमानुआ गेट के नाम से जाना जाता है। टहरोली के अंतिम शासक निरपित सिंह थे, जो राजनीतिक साजिश का शिकार हुए और उन्हें जहर दे दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद झांसी के मराठा राजाओं ने टहरोली पर कब्जा कर लिया और टहरोली ओरछा राजाओं को पट्टे पर दे दिया गया। क्योंकि टहरोली अब शासन का केंद्र नहीं रहा था, इसलिए धीरे धीरे ये उपेक्षा का शिकार हो गया और बाद में वीरान हो गया। मगर आज भी स्थानीय लोग निरपित सिंह और टहरोली के गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं। टहरोली का ये आलीशान किला आज सुनसान पड़ा है, मगर ये जरूरी है कि इसका इतिहास और इसकी सुंदरता को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लाया जाए।